नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया के एक और फ्रेश वीडियो में। तभी हम बात करने वाले हैं मौसम विभाग की रिपोर्ट के बारे में कि मौसम विभाग ने कहां कहां तक बारिश की संभावना बताई है, कहां कहां तक आंधी और तापमान की संभावना है क्या बताइए। हम यहां पर पूरी जानकारी पाने वाले हैं। आज का मौसम विभाग का वीडियो आ चुका है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आप रोज मौसम विभाग से जानकारी, मौसम विभाग से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने नीचे एक लाल बटन आ रहा होगा, उस लाल बटन को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही लाल बटन को दबाएंगे तो आपके सामने एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी आएगा, उसे जरूर से दबाइएगा ताकि आप देख सकेंगे हमारे लेटेस्ट वीडियोज और साथ ही मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले। इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो वीडियो में आगे बढ़ते और आपको बताते हैं पूरी जानकारी किस प्रकार से आ रही है। तो जैसा कि आप पहली बड़ी रिपोर्ट देख सकते हो, उत्तर भारत में गर्मी से बुरा हाल, आज इन जगहों में हो सकती है बारिश। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो पूरी न्यूज़ पढ़ लेते हैं। उत्तर भारत ने फिर मौसम की करवट बदल ली है। शुक्रवार को यूपी बिहार और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की खबर है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। कई जगहों में दोपहर तक रुक रुक कर झिमझिम बारिश होने के साथ तेज हवा भी चली। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार शनिवार को भी इसी प्रकार का मौसम बने रहने की संभावना है। आपको बता दें कि दिल्ली में इस वक्त गर्मी अपने चरम स्तर पर है। आपको बता दें आज इन जगहों पर हो सकती है बारिश। तो दिल्ली के मौसम में भी तब्दीली हुई है, यहाँ भी आज हवाई और बारिश होने का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली के साथ NCR, कसारो, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत सोनीपत के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इससे संबंधित इलाकों में तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इसके साथ ही आपको अगली रिपोर्ट बता दें, अब खत्म हुआ राहत का दौर, रविवार से फिर बढ़ेगा तापमान। आपको बता दें दिल्ली NCR ने नेशनल कैपिटल रीजन समेत पूरे भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक शनिवार को भी तेज हवा चलने की संभावना के मद्देनजर राहत बनी रहेगी, जबकि रविवार से तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। बता दें इससे पहले बृहस्पतिवार को देर रात तक हुई बारिश ने शुक्रवार को खासी राहत प्रदान की। न केवल तापमान में गिरावट दर्ज की गई बल्कि प्रदूषण भी घट गया है। मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार रात रिज में 9 मिलीमीटर, सफल जंग है वहाँ पर आपको बता दें 5.6 मिलीमीटर, पालम में 5.7 मिलीमीटर और लोधी रोड पर 5.5 मिलीमीटर बरसात के रिकॉर्ड दर्ज की गए। इसके चलते तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की गई है। और आपको बता दें जो शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री के साथ ही न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री रहा था। ये बात की जा रही है दोस्तों नई दिल्ली की। आपको बता दें इसी प्रकार का मौसम रहने की जो बात की जा रही थी कि आज जो मौसम है उत्तर भारत में कई जगहों पर अच्छा बना रहेगा, लेकिन कल से यानी कि रविवार से फिर एक बार जो तापमान है वो अपने चरम स्तर पर बढ़ जाएगा और 45 डिग्री तक भी कई कई इलाकों में पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। तो यह था आज का मौसम विभाग का वीडियो। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप पाए मौसम अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।